नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा, महासेवा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हैं आर्किड होटल में, फाइव स्टार एयरपोर्ट में मुंबई के, और यहाँ पर सबसे बड़ा एसोसिएशन BEI, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, और जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी, लगभग आज़ादी के पहले, सबसे बड़ा एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के हम जानेंगे, इनके नए पदाधिकारी की नियुक्ति हुई, चेयरमैन जयप्रकाश भाटिया जी और वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता जी। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो रियल इस्टेट में, इंफ्रा में, तमाम जो मेंबर्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, रियल इस्टेट में हैं, हाउसिंग में, ऑल इंडिया लेवल पे मेंबर्स हैं और लाखों इसके मेंबर्स हैं। क्या चीज़ें हैं और किस तरह से देश का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, किस तरह से ये बढ़ाते हैं, बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मोदी सरकार ऐसे ही नहीं बोलती कि हम 2030 तक यहाँ तक लेके जाएंगे ग्रोथ, वो इनके सपोर्ट से, तो इनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, नए पदाधिकारी बनेंगे, हम इनसे डिस्कस करेंगे। चेयरमैन साहब हैं जयप्रकाश भाटिया। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे आज के दिन, आप का सोलेशन हुआ है, आज आपने भूमिका अदा की है, आगे बड़ी उम्मीद है आपके जो मेंबर्स है, तमाम ऑल इंडिया में जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल को, क्या कहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा, मुंबई में पर्टिकुलरली हम लोगों को रीडेवलपमेंट बिल्डिंगें जो खराब कंडीशन में है उनको रिकन्स्ट्रक्शन करने की बहुत ज़रूरत है, और मेजर डिफॉल्ट कॉन्ट्रेक्टर भी मिल जाते हैं और सोसाइटी वाले भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो, लेकिन एक फंडिंग का इशू रहता है जिसके कारण बहुत से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा समय लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इतने समय में जो चीज़ बननी चाहिए। तो एक फंडिंग का के लिए एक बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं आप आने वाले। हाँ, इसके बारे में, फंडिंग के बारे में कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह से बात करके कोई ऐसा सोल्यूशन लिया जाए जिसमें उनके पास या तो कोई इंस्टीट्यूट्स और बैंक वगैरह जो एरिया होता है, जो एक्स्ट्रा बनता है जिसके बल पे डेवलपमेंट हो सकता है, वो कोई ले लेवे या इन्वेस्ट करे। बैंक्स भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, बैंकों को भी अपने जगहों की और अपने स्टाफ के लिए ज़रूरत होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट के कॉरपोरेट सेक्टर्स वगैरह को भी ज़रूरत होती है। ये एक इस तरह का एक लिंक ज़रूरी है जो डेवलपमेंट को हेल्प करने में काम आ सकता है। बिल्कुल, चेयरमैन साहब का कहना है कि मुंबई के जो रियल एस्टेट को कैसे बूस्टअप मिले और इस बूस्टअप में, रीडेवलपमेंट में किस तरह से एज ए चेयरमैन बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भूमिका अदा कर सकता है, महत्वपूर्ण अदा कर सकता है फंडिंग के मामले में। आनंद गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट है, नियुक्ति हुई है, बधाई हो, आप दोनों को बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, क्या कहेंगे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती जब समूचा बिजनेस इंडस्ट्री और आपका बिल्डर एसोसिएशन इंडिया एक अच्छा काम करेगा आने वाले दिनों में, क्या कहेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़ा एसोसिएशन है, 1941 में इसकी स्थापना हुई, लगभग लाखों लोग मेंबर होंगे, सेंटर्स होंगे, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बिल्डर्स ऑफ इंडिया इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। इस देश के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, और उन लोगों का इस देश की नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा सहयोग है। पर्टिकुलरली यदि हम हमारे मेंबरों का कंट्रीब्यूशन देखें तो उनका GDP में 15% कंट्रीब्यूशन है, 10% इस देश की पूरी पॉपुलेशन इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मोर देन 250 इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, तो ऐसा बहुत सी इंडस्ट्रीज जो इस इंडस्ट्री के भविष्य पर डिपेंडेंट है। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि और इस इंडस्ट्री ने देश के कंट्रीब्यूशन में इस देश को आज 4 trillion की जो इकोनॉमी बनाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज तक ये रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जितना भी पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं उसका 78% वापिस वो रिबिल्ड हो जाता है। तो हमें इस पे, इस इंडस्ट्री को अभी तक हमने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना गवर्नमेंट को देना चाहिए था। पर्टिकुलरली यदि हम देखें, अभी बहुत 5 साल पहले ही हमने रेरा रेगुलेटर बनाया है, जो कि 70 साल पहले बनाना चाहिए था इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, लेकिन 5 साल भी बनाया तो मैं बोलता हूँ, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सी डिफिशियंसी है, उनको दूर करने की जरूरत। आज यदि हम बॉम्बे का हाल देखें तो हमारे चेयरमैन साहब ने जैसा बताया कि इस बॉम्बे में 14,000 से ज़्यादा सेस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका रीडेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें हमारे खुद के रूल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे मोर देन
पूरा 60% पॉपुलेशन स्लम में रह रही है, उनका रिडेवलपमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग पे होना है फिर भी नहीं हो रहा है, और उसका मूल कारण है हमारे खुद के फॉल्टी रूल्स हैं रेगुलेशन। तो यदि हम इन सब पर रिसर्च करें, बिल्डर्स ऑफ इंडिया की सभी राय को माने, तो सभी रिडेवलपमेंट ऑफ स्लम, सेल्स प्रॉपर्टीज, भाड़ा के डेवलपमेंट और बाकी जितने भी कॉपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस से बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन चूंकि हम एक क्रेडिटिविज्म के चल रहे हैं, उसके कारण से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज हमारा जो इंस्टॉलेशन चेयरमैन, इसके द्वारा हम ये गवर्नमेंट को सूचित करना चाहेंगे कि यदि वो करेक्टिव एक्शन ले, बिल्डर्स ऑफ इंडिया की बात माने, तो ये सब चीज़ों से मुक्ति पाई जा सके। बिल्कुल आनंद जी, आपकी और चेयरमैन साहब की एक वाजिब डिमांड थे, और मुझे ऐसा लगता है ऐसी संभावना की जा रही है कि मुंबई से आने वाले दिनों में यदि मोदी सरकार की हैट्रिक होती है तो वित्त मंत्री आ सकता है आपके मुंबई शहर से, एक सांसद चुने जाएंगे। तो ऐसे हालात में आप सरकार को, आपके वित्त मंत्री को, अभी निर्मला जी लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे हो जाएंगे, तो ऐसे वित्त मंत्री को या मोदी सरकार को क्या कहेंगे कि जो प्रमुख डिमांड से वो यदि आप पूरी करते तो ग्रोथ रेट जो आपने 5 का सोचा 6 का सोचा तो वो पॉसिबिलिटी 2030। देखिए, हम GST में रिफॉर्म की बात कही है, हमने बहुत सी बार जो टैक्स लॉज हैं पर्टिकुलरली हमारे हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए, उसमें करेक्शन की, क्योंकि इस समय हाउसिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़े टैक्सेशन उसे सफर हो रही है, और जिसके कारण से ग्रोथ एक जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है। तो यदि हमारे बॉम्बे के बॉम्बे शहर से फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, जिनको कि इस बात की पूरी अच्छी जानकारी रहेगी कि कब, क्यों और कब रीडेवलपमेंट फेज आउट हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, कब और कैसे सेस प्रॉपर्टी का जो तो निश्चय और क्या, और कब और कैसे कोई भी पूरे देश का इंफ्रा को यदि रिवोल्यूशनाइज करना है तो कैसे किया जा सकता है। बॉम्बे का कॉमर्शियल सिटी होने के कारण उनका एक पास्ट अनुभव कारण इससे ज़्यादा बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा। यदि उनको बनाया जाए और यदि उनके आइडियाज इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो निश्चित बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन तो होना ही है, लेकिन इमिजिएटली 10 ट्रिलियन भी होने की पूरी उम्मीद। 5 ट्रिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन GDP हो सकती है, जैसा वाइस प्रेसिडेंट बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया आनंद गुप्ता जी ने बताया। हमारे पास प्रेसिडेंट बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भगवान देवकर जी हमारे साथ, देवकर जी आपका स्वागत है। देवकर जी क्या कहेंगे, आपके जो आप पास्ट और पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, सरकार से जो आपने तालमेल किया, आपने जो डिमांड्स की, मुंबई माया नगरी अर्थ नगरी है, मतलब राजस्व सबसे ज्यादा देता है, कैपिटल है, टोटल अनुभव क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक ही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं प्रेसिडेंट था 2010-2011 में, और हमने चेन्नई में बड़ा कन्वेंशन किया था 3-4 दिन का हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तभी हम मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, तभी प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमारी एक डिमांड बहुत थी, आज आपने बॉम्बे देखा होगा, पुणे देखा होगा, दिल्ली देखा होगा, इतना कंजेस्टेड हो चुका है। अगर भिंडी बाजार में बॉम्बे में अगर कोई ब्रिज बनाने का है तो नीचे चलने की जगह नहीं, उधर माल मटेरियल नहीं रख सकते, 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में जाके वो बीम्स कॉलम्स बनते हैं और वहाँ से उठा के लेके आते हैं, वहाँ रख देते हैं। ऐसी चीज़ों के ऊपर वो टाइम गवर्नमेंट का 12.5% एक्साइज ड्यूटी था, बनाने का दूर 40 किलोमीटर दूर, लेके आने का ऊपर फिर इंस्टॉलेशन करने का। तो एक रिक्वेस्ट हमारी प्रणब मुखर्जी साहब को थी, अनेक रिक्वेस्ट थी, उसमें से एक ही थी, प्रणब मुखर्जी साहब इतने चाणाक्ष और होशियार निकले कि 15 दिन के अंदर हमको जवाब आ गया कि एक्साइज ड्यूटी इज वेव्ड ऑफ। करोड़ ऑफ रुपीज ऑल इंडिया के अंदर काम चलते थे ब्रिजेस के ऊपर, नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का है, वहाँ कहाँ से जगह मिलने वाले, कहाँ से मेंबर बनाएंगे, कॉस्ट करेंगे और उधर लाके इंस्टॉल करेंगे, तो करोड़ ऑफ रुपीज ये तो ऐसा था कि गवर्नमेंट को हम चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट से लेके फिर से गवर्नमेंट को भरेंगे। इसके बदले ऐसा अगर कोऑपरेशन होता है, ऐसे गवर्नमेंट के साथ हमारा मेलजोल होता है, गवर्नमेंट हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये जो 2030 के इंतजार करते हैं अपन 10 बिलियन, हाँ हाँ, तो उससे भी पहले कर सकते हैं, ये मेरा ख्याल। बिल्कुल, ये जो GDP 2030 का जो अनाउंसमेंट है हमारे लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो पहले भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि ये जो तमाम लाखों लोग हैं जो आपकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, GDP बढ़ाते हैं आपकी देश की, उनको भी देखना, उनकी जो डिमांड है
वो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। इंफ्रा में आप फ्लाईओवर देख लो, आप सड़कें देख लो, आज जो डेवलपमेंट चमक रहा है पूरे देश में, कहीं ना कहीं ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके मेंबरों की वो देन है, और इन पर सरकार को नजर नजर देनी है, नजरअंदाज नहीं करना। सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज।